हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइसिया ब्लॉग। कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जैसे रात को 9 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि आप अपना घर जाके कहीं और बसाइए और प्लीज हमारे घर से चले जाइए। मैसेज आने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इमोशनल हो गया और मैं ये सोचने लगा कि मैं नेहा को भी बताने लगा कि इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। इसके वाइफ की तबीयत खराब हुई तो मैं रात को फ़ोन करता था, तो मैं रात को 12-12 1-1 बजे तक उसके पास खड़ा रहता था, वहाँ से हिलता नहीं था। इसके मकान के टाइम पे पूरे मकान का काम मैंने संभाला, A to Z। इतने मतलब उसको तो सामान की तक की नॉलेज नहीं थी क्या चीज़ कितने की आती है, तो सारा सामान मंगाने की जिम्मेदारी मेरी, उसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी मेरी, और प्लस जब इसको पैसों की कमी आई तो मैंने खुद के पास से तो दिए ही दिए, मार्केट से इंटरेस्ट पे लाके भी पैसे इसको दिए हैं और उसका भी इंटरेस्ट मैंने भरा है। मैंने आज तक इसको कभी इंटरेस्ट भी नहीं मांगा उन पैसों का। और इसको जब बाइक खरीदने के इसके पास पैसे नहीं थे तो बाइक खरीदने के लिए भी मैंने इसको पैसे दिए थे। ये सब बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैंने इतना कुछ करने के बाद भी आज मेरे को बस 1 सेकंड में बोल दिया कि निकल जाओ घर से, वो भी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कितना नाम से ही आज हम लोग डर जाते हैं, आज भी 3 साल हो गए हैं। कोरोना वायरस में जब फर्स्ट वो आया था उस टाइम कितना डेंजरस था, उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो मरो जियो हमको कोई मतलब नहीं, हमारे घर से निकलो। तो फिर ये बहुत इमोशनल हो रहे थे और थोड़ी इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी जैसा कि आपको पता ही है, बट अब क्या करें, अब सिचुएशन ऐसी थी, हम उनके आगे ये तो नहीं बोल सकते थे कि हमें नहीं, हमें रहना है आपके घर में, हमने कुछ भी नहीं बोला। और उनकी मतलब उनकी हद देखिए आप, कि उन्होंने हमको घर से निकलने तक बोल दिया पर सामने से नहीं आए, नीचे बैठे हुए थे हम, ऊपर वाले फ्लोर पर थे, सामने बोलने नहीं आए, क्योंकि बोले किस मुँह से, उनको भी पता है 6 महीने हमने इन दोनों को इतना मेंटल टॉर्चर किया, उसके बाद भी इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। अब हम इनसे किस मुंह से बोले तुम निकलो, तो बेशर्मों की तरह मैसेज कर दिया और कि निकल जाओ आप, अपनी आप अपना घर कहीं और जाके बसाना ऐसे बोला। तो फिर हमने बोला कि अब अपने पेरेंट्स को फोन करना ही पड़ेगा ना, उनको तो इतनी बड़ी बात हो गई तो उनको बताएंगे ना। फिर रात को तो नहीं किया हमने, रात को हमारी टेंशन में ही नींद, मतलब टेंशन में ही रात निकली, क्योंकि अचानक से बोला ना उन्होंने रात को 9 बजे, क्योंकि लॉकडाउन में हम अचानक निकल भी नहीं सकते थे ना, क्योंकि जाएं तो जहां जाएं कहां कोरोना में। तो फिर हमने अपने घर पे फोन करा, पूरी रात तो हमको नींद ही नहीं आई, मतलब इतनी टेंशन हो गई कि अब अचानक से करना क्या है। तो मॉर्निंग में मैंने मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करा और सारी सिचुएशन बता दी और सारी बात बता दी। तो मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि हुआ क्या था तुम लोगों के बीच में, मैंने कहा हुआ कुछ नहीं है, ऐसा सब आपको पता होगा गाइस कि किसी के बीच में बोलचाल होती है, झगड़ा होता है, आर्ग्यू होता है, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना झगड़ा हुआ, ना बोलचाल हुआ, ना आर्ग्यू हुआ। और सामने से बोले तो समझ में आता है, वो तो मैसेज में ही उन्होंने मना कर दिया, सामने से बोले तो वापस हम पूछ तो सके ना कि भाई हमसे कुछ गलती हो गई है या हमारी कोई गलती है तो आप बताइए तो सही, पर सामने आए तो किसी से पूछे ना, उन्होंने तो मैसेज में बोल दिया कि निकल जाओ बस। अब उन्होंने बोले, क्योंकि आपको हम पूरी बता चुके हैं स्टार्टिंग से लेके उन्होंने कितना मेंटल टॉर्चर किया। पहले मुझे उन्होंने परेशान अकेले करने की सोचा, फिर हम दोनों के बीच में इनको भड़काती थी जैसे कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो, बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। और एक दिन उन्होंने मुझे इतना रुलाया, इतना उन्होंने मुझे डांटा जब लॉकडाउन की बातें, पर मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ सोशल मीडिया पर, तो कि मैं उस दिन पूरे दिन रोती रही उनके चक्कर में, उस दिन भी मैंने उनको जवाब नहीं दिया, इतना उन्होंने, वो भाभी मेरी जेठानी, उन्होंने मुझे इतना चिल्लाया इनके सामने, उनकी हिम्मत देखी आप, पर मैंने पलट के उनको जवाब नहीं दिया। मैं यही बोलती रही सॉरी अगर आपका मेरी वजह से कुछ हुआ हो, जबकि मुझे पता था मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, इनकी भी नहीं, बट वो क्या है, मौका ढूंढती थी कि कैसे भी करके मैं इसको परेशान करूं, ये मुझसे झगड़ा करें दोनों, बट हमको तो पता था ना। तो पढ़े लिखे इंसान की एक पहचान होती है, पढ़े लिखे वो भी थे, पढ़े लिखे हम भी हैं, पर हमारी उनमें और हमें अंतर देखिए आप। हमने सोचा जब हम समझ चुके थे कि ये हमको परेशान कर रही हैं, ये बस मौका ढूंढ रही हैं कि हमारे मुंह से कुछ ये निकलवाएं, हमने समझ लिया कुछ भी बोलना है बोलो, हम आपको जवाब नहीं देंगे। 6 महीने निकाल दिए हमने, आप यकीन नहीं मानोगे, एक पलट के ना इन्होंने ना मैंने जवाब दिया। लास्ट में आकर वो थक गए, फ्रिज कूलर के लिए परेशान करा, तो अब आप परेशान कर रहे हैं तो भाई हमको फ्रिज मंगाना पड़ा। अब फ्रिज मंगाया तो
अब उनको उसमें मिर्ची लग गई, तो क्या मतलब वो ये चाहते थे हम जिंदगी भर उनके घर में भूखे प्यासे मरते रहें, उसमें वो खुश थे। अब ऐसे कोई है, कोई निकम्मे तो थी नहीं जो ये एक फ्रिज नहीं ले सकते। ले लिया इन्होंने तो इतना परेशान उन्होंने मुझे देखा, लॉकडाउन की वजह से बढ़ना ही है, अगले दिन ही ले लेते, बट वो हमारी मजबूरी फंस गई थी। वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब हम इनको कैसे परेशान करें, लास्ट में जाके निकाल दिया। तो मैंने सारी सिचुएशन अपने पेरेंट्स को बता दी। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मैंने ये भी बता दिया कि मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया हुआ है, इसको मकान बनाया था उस टाइम, मैंने मार्केट से भी लेके इंटरेस्ट पे और अपने पास से भी जितना था मैंने वो इसको दिया है, बहुत बड़ा अमाउंट था थोड़ा। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि सबसे बड़ी गलती तो तूने पैसे दिए क्यों। मैंने ये सोच के दिए कि मेरा बड़ा भाई है, अगर मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो इसीलिए मैंने ले जाके दे दी उसको और इंटरेस्ट पे पैसे लेके आया कि कोई नहीं, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, जितना भी होगा मैं अपने पास से इंटरेस्ट भर दूंगा। और अपने पास जितने थे वो मैं उतने ले जाके इसको दे दिए, क्योंकि मकान के काम में आपको पता है पैसे, जहाँ पे ये मकान के काम में पैसे इतने लगते हैं कि आप खुद उसका बजट भी लगाए वो भी आपका काम नहीं आता है। तो मैंने उस टाइम उसको ले जाके दे दिए। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने सीधा कहा कि तूने पैसे दिए क्यों, सबसे बड़ी गलती तो तेरी है, तुझे ये पैसों का लेन देन करना ही नहीं चाहिए था। कि अब वो क्या बोल रहा है, मैंने कहा उसने तो बोल दिया कि निकल जाओ घर से। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि चलो उसने कोई नहीं बोल दिया, निकल जाओ घर से। तो अब जब निकलना ही है तो एक काम कर, तुमने जितना पेमेंट उसको दिया ना तो बस उसका पेमेंट मांग ले, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब छोड़ दे। तू जितना पेमेंट तूने दिया ना उसको बोल दे कि मेरा पेमेंट दे दे भाई, कि मेरे को भी आगे घर बसाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि फ्री में तो कुछ आता नहीं है। मैं अलग कहीं जाऊंगा, रेंट पे भी जाऊंगा तो सामान चाहिए मेरे को, सारा किचन का सामान चाहिए, दूसरे जो जरूरत की रोज की चीजें है वो चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। तो बस मैं तुझसे एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहा हूँ, जो मेरा पैसा है वो दे दे मेरे को वापस, मैं चला जाऊंगा। तो मेरे पेरेंट्स ने ये बोला, तो ये की ये बात मैंने उनको मैसेज में लिख के भेज दी भाई कि मेरे को घर बसाना है, तो मैंने जो इंटरेस्ट पे पैसा लेके आया मेरे को मार्केट में वो भी चुकाना है, और प्लस जो मेरा पैसा है तो आप मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। और जितना पैसा था फिर उन्होंने बोला कि कितना पैसा है, मैंने कहा मैं आपको हिसाब पहले ही बना के भेज चुका था, वो पेपर बनाया हुआ पड़ा होगा आज से तकरीबन 6 महीने पहले ही। तो फिर वो पेपर निकाल के पूछते हैं कि ये काहे के पैसे हैं, वो काहे के पैसे हैं। मैंने कहा जब मैंने आपको पेपर भेजा था उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था, उस टाइम आपने पूछा नहीं ये पैसे काहे के हैं, वो पैसे काहे के। तो मैंने कहा कि उसमें सब लिखा हुआ है और आपने पूरा हिसाब पहले ही देख लिया है, और अब 6 महीने बाद मैं एक एक चीज वो बताऊं काहे की इनकाहे की, तो ये चिंदी चोरी वाली बात हो गई है। और उसमें आज से तकरीबन 7 उस टाइम के तकरीबन 8 से 9 साल पहले उसने एक बाइक खरीदी थी, तो बाइक के लिए मैंने उसको 85,000 रुपीज दिए थे। 85,000 में से 50,000 उसमें टुकड़ों में दे दिए, 10-10,000 करके, और 35,000 वो 9 साल पुराने भी बाकी थे, तो मैंने उसका भी बता दिया उसको भाई वो भी बाकी है तो वो भी उसमें ऐड कर देना। वो इसलिए बताना पड़ा, अगर आप सोचो के लिए देखिए, एडवाइस उन्होंने हमको दी, आप अपनी गृहस्थी अपना घर कहीं और जाके बसाइए। अब घर बसाने के लिए पैसा तो लेना पड़ेगा ना, और फिर हमारे पेरेंट्स हमको बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उससे पैसे लेके निकलना, क्योंकि उनको भी पता है उनके बेटे की नीयत बढ़ेगी कि वो पैसे वापस नहीं देंगे एक बार निकल गए, एक बार निकल गए तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है। और अब जो पैसे भाई इतने बकाया थे, मतलब आप देखिए वो हमसे एक एक रुपए का हिसाब लेते थे जब हम उनके साथ रह रहे थे, और इनको देखिए आप, छोटे भाई को जो 9 साल पहले जो पैसे दिए थे और जो मकान के वक्त लाकर दिए थे, इन्होंने उनकी परवाह नहीं की कि मैंने बड़े भाई के लिए दिए हैं, ये तो देख के भूल गए थे कि भाई के लिए तो दिए हैं, अगर मैं उससे कभी जिंदगी में लूंगी नहीं तो भी चल जाएगा। बट जब एक तरफ से रिश्ते नहीं निपटे, हम झुकते झुकते जा रहे थे, आखिर में उन्होंने हमारे साथ क्या किया, लास्ट में जाके जब हमारे पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं कि तुम पैसा लेके निकलो, तो भाई वो कुछ सोच समझ कर ही तो बोल रहे होंगे ना हमसे ज्यादा, तो वो उनके बेटे को जानते हैं बड़े को, अब बाकी आप समझदार हैं, बोलने की जरूरत नहीं हमको। तो फिर हमने उनको बिना कुछ झगड़ा किए लड़ाई किए इन्होंने भी मैसेज कर दिया कि मेरे वो पैसे दे देना, जिस वक्त पैसे देगा उसी वक्त हम घर से निकल जाएंगे। ये हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला था कि उसको ऐसे बोलना, तो हमने वैसा का वैसा बोल दिया। अब इससे लग गई उनको मिर्ची कि अरे ये क्या हुआ, ये तो पैसे मांग रहे हैं। तो फिर उनकी और ड्रामे शुरू हुए, सुनिए आप। अब पैसे मांग लिए तो फिर वो हिसाब किताब की बातें आ गई। मैंने कहा देख हिसाब किताब जो भेजा है वो देख ले, और तेरे को जितना ठीक लगे ना
उतना दे दे बस, मैं निकल जाऊंगा तेरे घर से। हाँ। अब ये हिसाब किताब की बातें मुझसे मत कर, क्योंकि पता है तेरे को भी पता है और मेरे को भी अच्छे से पता है। और जबकि ये एक साल से मैं तेरा वो पैसों का इंटरेस्ट भर रहा हूँ, मैं तो उसका तक नाम नहीं लिया तुझसे। फिर जैसा कि आपने सुन लिया है, पैसे वैसे का सब कुछ हो गया, अब उसके बाद ये सब मैसेज के थ्रू बात चल रही है। एक ही घर में रह रहे हैं बट मैसेज के थ्रू बात चल रही थी, ठीक है, उनको सामने किस मुंह से बात करें। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा। अब उस घर में हमारा एक मिनट रुकना मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने से उन्होंने बोला ना निकल जाइए, तो उसमें ऐसा लग रहा है जेल, जैसे जेल होती है ना घुटन, हमको ऐसी लग रही है कि कब हम निकलें। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं पैसे लेके निकलना, तो हम बिना पैसे के निकल नहीं सकते, क्योंकि उनकी नियति यही थी कि ये निकल जाएं जिंदगी में और कभी पैसा देना ना पड़े। तो भाई हम तो हमारा पैसा लेंगे, कोई 2-4 रुपए तो थे नहीं, आप खुद हम यहाँ बता नहीं सकते कितनी अमाउंट थी, बस लाखों में अमाउंट थी, बस इतना बताएंगे। तो फिर पैसा तो लेंगे ना भाई, हमारी भी नहीं शादी हुई है, हमारे लिए कौन है, हम अपना पैसा तो ये लेंगे। तो भाई अब उन्होंने बोला कि हाँ हम इंतजाम करके जल्द देंगे आपके पैसे। अब 2 जून को उन्होंने हमें ये बोला, तो उसी अगले दिन हमने बोल दिया पैसे का। तो फिर पैसे उनको इंतजाम करने में कि हमारे जिस दिन पैसे का इंतजाम हो जाएगा हम आपको मैसेज कर देंगे, तो उसी बीच में 10 से 15 दिन उनको लगे पैसे का इंतजाम करने में, जब तक हमको उसी घर में उनको झेलना था। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। पर एक दिन अब लॉकडाउन, कोरोना कितना खतरनाक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा, तो अब हम आपस में सोच रहे कि जाए तो जाए कहाँ। और जब सगे भाई भाभी ने हमारे साथ ऐसा किया ना, आप यकीन नहीं, पहले तो हमारी बिल्कुल छोटी फैमिली है, आपको बता दें कोई और इनके भाई बहन है नहीं, बस पेरेंट्स का घर है और भाई बहन है नहीं। तो उस टाइम पर ना हमारा यकीन उठ गया था किसी के, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये भी कितने अच्छे थे, ये हमको आगे से बोल कर लेके आए थे घर पे। और मैं उस घर में गई थी ना, तो मैंने उनसे बोला था, क्योंकि मेरी फैमिली से मेरा साथ छूट गया था, तो मैंने कहा ये एक रहता है ना सेम एज ग्रुप के रहते हैं और बात कर सकते हैं। मैंने उनसे बोला भाभी आप ना एक, मैं आपको ना फ्रेंड की तरह बात करूंगी आपसे, फ्रेंड भाभी सिस्टर ही लो जो भी बोलो, मैं उनसे इस तरह से बात करती थी। मैंने बोला जो भी हो ना आप ही हो मेरे लिए, मैं उनसे हर बात शेयर करती थी। बट उन्होंने इस बात का, मैंने उन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया, बट उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने इस बात का गलत फायदा उठाया मेरा, मतलब जो सीधापन था उसका उन्होंने इतना फायदा उठाया, वो सब आप देख चुके हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, इन्होंने जो सीखा है ये वो कर रही है, पर मैंने जो सीखा है, मुझे जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है, मुझसे मेरे घर की वो दिखेगी। तो मैंने उनको कभी जवाब नहीं दिया, तो उनसे उनका वो दिख रहा था। एक दिन मैं बोलती हूँ, मैंने कहा अगर इनका पैसे का जल्द इंतजाम हो गया तो अपना भी तो इंतजाम करना है ना, कहाँ जा रहे हैं तो किराए पे तो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि उस टाइम हमें को समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब हम इतनी परेशानी शादी के जस्ट बाद झेल चुके हैं, तो अब ऐसा लग रहा था कि सुकून से एक कमरा किराए का ले लें जिसमें हम सुकून से रह सकें। तो फिर हमारी सोसाइटी में, क्योंकि कोरोना चल रहा, लॉकडाउन चल रहा, तो रेंटेड आपको पता है कि हाउस भी नहीं मिल रहे थे, रेंट पर कोई दे नहीं रहा था, बट फिर भी हमारे पास में जो कुछ विलास थे वो हमने 4-5 देखे, बट वहां पे भी मतलब 2-2 2-2 BHK थे, उनके 10 से 15-20 हज़ार उनका किराया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतना हाई, और ऊपर से पहली बात तो देने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा, तो हमारा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, करें तो करें क्या। तो फिर एक दिन मैंने इनसे बोला, मैंने कहा अगर उनका अचानक से जल्दी से इंतजाम हो गया तो मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। तो मैंने इनसे बोला कि कैसे भी करके मैं भाभी से बात करने जाती हूँ कि थोड़ी सी मोहलत और दे दें। तो इन्होंने बोला मैं उन दोनों के आगे नहीं जाऊंगा, मुझे उन दोनों की शक्ल नहीं देखनी है, इनको तो गुस्सा भरा था। अब मुझे पता था कि उनके सामने जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे है ना कि अपन कुछ सामने जाके रिक्वेस्ट करते हैं ना तो उनका ईगो और बढ़ता है, मतलब वो ऐसे जवाब देते हैं कि उनके आगे बोलना भी बेकार हो जाता है। हाँ, बट मैं पता है मैं ऐसे थिंकिंग रखती हूँ कि चलो अगर सामने वाले के आगे अगर जरूरत तो हमारी थी ना, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इनके आगे झुक जाऊंगी तो कौन सा मैं छोटी हो जाऊंगी। तो मैंने इनको बोला बस आप मेरे साथ चलिए, बाकी बोलूंगी मैं, मेरी इंसल्ट होगी, मेरी बेइज्जती होगी, हो जाएगी क्या, कर देंगे वो, 6 महीने से भी तो झेल ही रहे हैं, एक बार और झेल लूंगी, बट अपन को थोड़ा सा मोहलत मिल जाएगी, क्योंकि मकान हमने देख नहीं पाया था, मिल नहीं रहा था। तो मैं जाती हूँ नीचे, इनको जबरदस्ती ले गई मैं, मुझे पता था मैं बेइज्जत होके आऊंगी फिर से, पर मैं गई क्योंकि जरूरत थी मुझे। तो भैया नीचे बैठे हुए थे, भैया के पास गए हम दोनों, तो ये तो कुछ बोल नहीं रहे, पता है मैं सामने खड़ी हूँ कि ये आइए तो कुछ बात करनी आई होगी, तो मैं बोल रही भैया कुछ बात करनी है आपसे, तो 3 बार बोला मैंने, जस्ट जैसे ये बैठे हैं ना ऐसे ही बैठे हुए थे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। लास्ट में जाके बोलते हैं क्या,
तो मैंने बोला कुछ बात करनी है। भैया से बात करने का तो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उस घर में चलती है किसकी, आप समझदार हो, उनकी तो उनसे कुछ बात करने का मतलब नहीं। तो मैंने बोला भाभी कहाँ पर है, कि क्यों क्या बात करनी है। मैंने बोला कुछ बात करनी है कि वो वॉशरूम में है, तो कि वो अभी आ रही है, जब बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं कहीं से बात करने का कुछ मतलब ही नहीं है, करता धरता वही है इस घर की होम मिनिस्टर। तो फिर वो आई, आकर हम लोग बैठे रहे इंतजार में, वो वॉशरूम से भी आ गई, कमरे में बैठी। हम कह रहे ऐसा क्या, उनको कितना टाइम लग गया, आराम से बैठी वो तो रूम में। तो फिर मैं गई, मैंने कहा भाभी कितना सब उन्होंने हमारे साथ करा, सब कर दिया। उसके बाद लास्ट में जाके मैं उनके पास गई मिन्नतें करने। मैंने कहा भाभी अगर आप ठीक समझे तो क्या हम मतलब कुछ दिन, जब तक हमारा मकान का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, क्या हम आपके यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोक सकते हैं। इतने प्यार से मैंने इतने अच्छे से बोला, क्योंकि जरूरत हमारी थी। मैं झुक गई, मैंने कहा मैं इनके आगे झुकने से छोटी नहीं हो जाऊंगी। तो पता है उनका जवाब कैसा, इतना ईगो में था, इतना ईगो में, अरे आप कौन सा यहाँ से बिना पैसे लिए जाओगे, जब तक कौन सा आप जाने वाले हो। धिक्कार दिया उन्होंने हमको ऐसे ईगो में बोला, ऐसे टोन में, कि वैसे भी पैसे लिए बिना तो जाओगे नहीं तुम लोग। अब इस जगह वो ऐसे भी बोल सकती थी ना, थोड़ी तो उनमें इंसानियत, थोड़ी तो उनमें इंसानियत होनी चाहिए ना, कि कोई बात नहीं आप लोग अच्छे से अपना इंतजाम देख लो, उसके बाद आप चले जाना, क्योंकि कोरोना चल रहा है, हम भी समझते हैं। इतनी बात अगर बोल देती तो क्या होता, बट उन्होंने हमें धिक्कारा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि उन्होंने है वो मेडिकल लाइन में, बट इससे मैं एक जाहिल को अच्छा समझती हूँ, क्योंकि उसमें इंसानियत होती है। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो इंसानियत ही छीन ले तुम्हारी। उनकी डिग्री में आपको बताऊं, लोग पूछते हैं कि उनकी डिग्री क्या है, जो भैया है उन्होंने MBA करा है और ये भाभी है मेडिकल लाइन में, MBA PGDCA और BCOM किया है। हाँ अब ये देखिए, अब ऐसे पढ़े लिखो से तो फिर जाहिल लोग अच्छे हैं, कम से कम उनमें इंसानियत तो होती है। बेचारे इतना तो समझते हैं कि ये कोरोना में कोई इंसान अपने दूसरों की इतनी मदद कर रहा था, उन्होंने कोरोना में लॉकडाउन में हमारे साथ क्या गुल खिलाए हैं उन्होंने। तो फिर ये सब चला, तो आखिर में उन्होंने बेइज्जत कर दिया। मैं छोटा सा मुंह लेके आ गई, मैंने कहा मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। तो फिर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम बस वेट कर रहे थे कब इनके पैसों का बंदोबस्त हो जाए। हम खुद उस जेल से, मैं जेल ही बोलूंगी, उस हम निकलना चाह रहे थे, बट हम इंतजार कर रहे थे पैसों का, क्योंकि उन पर एक एक रुपए का भरोसा नहीं है, वो तो लाखों की बात थी। तो फिर हम पैसा लेके निकले, तो 20 जून को रात में फोन आता है कि हाँ 19 जून को आता है मैसेज कि आपके पैसों का इंतजाम हो गया है, तो निकलने के बोला ना, तो इन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है हम निकल जाएंगे, अगले दिन ही हम निकल जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो फिर अब उन्होंने हमको पैसे दिए नहीं, पैसे उन्होंने उस टाइम नहीं दिए, उनको ये था कहीं पैसा लेके अगर यहीं पे अड़ गए बस गए, तो जब हम गेट पर बिल्कुल चले गए ना, तब उन्होंने हमारे हाथ में पैसे दिए। ऐसे देखिए आप, मैंने फिर से मेरे पेरेंट्स को फोन किया, मैंने कहा कि वो पैसों का बंदोबस्त हो गया है, ये बोल रहा है कि कल पैसों का बंदोबस्त हो गया, कब देने आपको। तो मैंने पूछा क्या करना है, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि पैसे दे दिए तेरे को। मैंने कहा नहीं पैसे तो नहीं दिए अभी तक, पैसे तो वो जब निकलूंगा तब देगा वो। कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ऐसा कैसा इंसान है, मतलब इतना लिचड़ इंसान कि जिसको भरोसा तक नहीं है अपने भाई पे भी। और एक ये छोटे भाई जो लाखों रुपए मैं कितने सालों से मैंने मांगा तक नहीं है उससे, और इवन मेरे को पैसों का ये भी पता था इनके पास पैसा है, इन्होंने कार खरीदी है, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जिन पैसों का मैं ब्याज भर रहा हूँ मैं वो भी ले सकता था, तो भी मैं अपने पास से ब्याज भर रहा था उस पैसों का। पहली बार इतनी बड़ी हुई लाइफ में ऐसा देखा है कि बड़े भाई भाभी ऐसे होते हैं, जो बड़े भाई के फर्ज होते हैं ना वो छोटे भाई ने निभाए, और बड़े भाई ने आज तक एक रुपये हमको नहीं दिया। मेरा बर्थडे हुआ, होली, दिवाली, ईद, किसी पर उन्होंने शादी में जो पराए लोग थे उन्होंने। अरे इवन गाइस आपको पता है शादी में अगर हम दोनों ने उनके पैर छुए थे, पैर छूने पे पैसे दिए जाते हैं सगुन, जो वो तक एक रुपया नहीं दिया है। जो पराए दूसरे थे, मेरा फ्रेंड था उसने 500 रुपए दे दिए, और जो दूसरे थे उन्होंने तक पैसे निकाल के दिए। अरे पैसा तो दूर की बात, उनसे इतना तक आज तक 3.5 साल हो गए, उन्होंने आज तक ये नहीं बोला दोनों ने कि तुम दोनों सदा खुश रहो। मेरे मुंह पर बोल रहे हैं कि इनके मुंह पर, मेरे मुंह पर दोनों बैठे हस्बैंड वाइफ, और हमारे मुंह पे बोलते हैं वो भैया कि थोड़ी परेशानी तो इसको भी देखने दो जिंदगी में, मतलब मुंह पर ही बद्दुआ देते थे वो बैठ कर के, परेशानी देखने दो, ऐसे कौन बोलता है। ये बोलते हैं ना कि तुम्हारी लाइफ में खुशियां हैं, वो मुझसे मुंह पर ही बोल रहे हैं कि परेशानी देखोगी जब भी तो पता चलेगा। वो उनका शुरू से टारगेट उन्होंने रखा हमारे लिए इसलिए था कि वो
पता नहीं कौन से जन्म का फ्रस्ट्रेशन उन्होंने मुझ पे निकाला है, किस चीज का फ्रस्ट्रेशन वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इतना सब हो गया, मैसेज आ गया कि आपके पैसों का इंतजाम हो गया, अब हमको करना था पैकिंग। अब इनकी तबीयत खराब, आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इनकी तबीयत खराब थी। बेड होता है ना डबल बेड, इसको खोलना, इसके नट्स वगैरह, इसके पार्ट्स निकालना अकेले को करना पड़ा। अब मैं लड़की हूँ, मैं एक सपोर्ट कर सकती हूँ ना, पर मैं निकाल तो नहीं सकती ना। तो मैं उनमें मतलब उन दोनों इतने बेशर्म लोग हैं वो, उनमें इतना नहीं कि हमने इनको घर से निकाल दिया। वो तो ठीक है कि मैं मेरे भाई के जाके थोड़ी सी मदद कर दूँ कि वो उसके इतना दर्द है, उसको डॉक्टर ने हैवी चीज उठाने को मना करा है, तो बेचारे ये अकेले खोल रहे हैं। मैं जितना हो सक रहा मैं अकेले इनके साथ लगी, और हम किसी को बुला भी नहीं सकते थे क्योंकि शाम को लॉकडाउन बंद हो जाता था, आना जाने किसी का। और ये मेरा वही भाई था जिसका 3 से 4 बार घर मैंने शिफ्ट करवाया। ये जो अपना नया मकान बना था इसमें भी सारा सामान मैंने अपने फ्रेंड्स को बुला के, गाड़ी मंगवा के सारा सामान मैंने शिफ्ट करवाया है, जबकि मेरे को उस टाइम एनीमिया हुआ हुआ था, मेरे में ब्लड की कमी थी, तो भी मैंने उसको ना चाहते हुए सुबह 7 बजे जाके सारा सामान एक एक चीज शिफ्ट करवाई है। और आज जब मेरे घर का सामान शिफ्ट करवाने तो कोई झांकने तक नहीं आया है। ब्लड की कमी भी एनीमिया भी उन्हीं के चक्कर में हुआ पूरा। ये तो खानदान बोलता है कि उसके मकान के चक्कर में तूने तेरे शरीर की परवाह नहीं करी। बच्चे से बच्चा बड़े से बड़ा सब यही कहता है। मैं जब शादी करके आई ना, मुझे सब लोगों ने यही बोला कि इसको अभी एनीमिया हो गया था इसके भाई के मकान के। अरे खानदान के छोड़ो, मेरे पेरेंट्स ने खुद बोल दिया था कि तू क्यों इतना कर रहा है, तेरी बॉडी पे ध्यान दे, कि आखिर में नतीजा कुछ नहीं मिलना है। आप सोचो पेरेंट्स इतनी बात बोल रहे हैं तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब पैकिंग करी, अब मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके, हमारा भी उन्होंने अलग कर दिया तो सामान तो वही गया था। आप सब समझते हैं किचन का भी थोड़ा थोड़ा करके कितना हो जाता है। तो मैंने सारा किचन का सेट किया, पैक वगैरह किया, कपड़े वपड़े सब। बस हमको सुबह जैसे शार लेके जाना था तो एक एक मैंने इनके और मैंने हमारे एक एक जोड़ कपड़े हटा दिए, बाकी सारे पैकिंग कर दी। और इन्होंने बेड खाली करा, और क्या था, हाँ फ्रिज, बेचारा फ्रिज हमारा आए हुए उसे 20 दिन ही नहीं हुए थे तो उसको फिर वापस पैक करा। और क्या था, एक और कूलर को पैक किया, और गीजर था, गीजर हम लोगों ने हमारा लगवाया था। भैया गीजर तो निकालेंगे ना, गृहस्थी बसाने का उन्होंने बोला है। हम जब तुम एक आलू प्याज का हिसाब ले रहे तो हजारों की चीज हम तो हमारी वापस लेके जाएंगे। तो फिर वो गीजर भी मैंने अकेले ही ऊपर चढ़ के खोला उसको इन्होंने। वो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जिंदगी में आप लोगों ने भी ऐसा भाई नहीं देखा होगा। सच में उनको अपने भाई पे तरस नहीं आया कि मैं इसकी मदद कर दूं, थोड़ा सा देखने ही नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। फिर रात को, अब जैसे कि रात हो गई थी, सुबह हमको निकलना था 20 तारीख का, ये सब पैकिंग वगैरह की 21 जून को हम सुबह निकल गए 6 बजे। तो अब रात को क्या क्या हुआ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाना बना लिया, आराम से पड़े टीवी देख रहे हैं लाउड म्यूजिक करके, क्योंकि उनको खुशी थी ना ये दोनों जा रहे हैं। फिर मैंने कहा मैं खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि कुछ ऐसा बनाना था जो कि बचे नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं इडली सांभर बना लेती हूँ, क्योंकि वो एक लिमिट में बन जाता है, कम क्वांटिटी में और लाइट भी होता है। तो फिर मैंने वही बनाया, तो मैंने ऐसा बनाया कि सुबह के लिए कुछ वेस्ट ना हो। तो सब कुछ बनाने के बाद दूध वूध हमारे पास कुछ नहीं क्योंकि अब सुबह जाना था। तो फिर हम लोगों ने कर लिया, सब कुछ पैक कर दिया, एक एक चीज पैक कर दी। अब रात भर हम बस पूरा पैक करके अब बैठे हुए, काश मैं आपको फोटो दिखा पाती, वो मोबाइल में थे पर वो खराब हो गया। हमारी रात पूरी टेंशन में निकल गई सारी रात, सुबह के 5 बज गए। फिर हम लोगों ने शार वगैरह लिया कि फ्रेशन अप होके बढ़िया अच्छे से रात को ये सामान पैक करके हम लोगों ने उनको मैसेज कर दिया था कि हम सुबह आपके घर से निकल जाएंगे। तो फिर वो मैसेज आया कि पैसे मतलब कैसे लोगे, के टुकड़ों में लोगे या कैसे, क्योंकि उनके पास आधे पैसे थे और आधे पैसे बोला था कि 1 महीने बाद दूंगा। तो मैंने कहा कि 1 महीने बाद ऐसे करना, पोस्ट डेटेड चेक दे देना मेरे को, और अभी जितना अमाउंट है उसका चेक तो दे देना 1-2 दिन के डेट की, और जो बाद में पैसे देगा उसकी पोस्ट डेटेड तो महीने भर की या 1.5 महीने का मेरे को पोस्ट डेटेड चेक दे देना। तो अब मैंने कहा क्योंकि मैं दोबारा तो तेरे घर में कदम रखने वाला हूं नहीं, और ना मैं तुम लोगों की शक्ल देखने वाला हूँ दोबारा जिंदगी में कभी, तो मेरे को आगे के चेक दे देना, मैं वो बैंक में लगा दूंगा। तो ये सब कहने के लिए उन्होंने मजबूर करा, इतना कुछ करा तो भैया वैसे लोगों की शक्ल कौन देखेगा, उन्होंने सुन चुके हैं आप। तो फिर भाई अब पूरी पैकिंग करने के बाद सुबह, अब इनकी दवाई चल रही थी, अब उनमें इतनी शर्म नहीं दोनों में कि ये आकर पूछ लें कि वो जो भाभी जो एक एक काम के लिए हॉस्पिटल में बैठी रहती थी, जॉब करती है ना, तो कभी कुछ खाने का दिल कर रहा है, कुछ मनाने का दिल कर रहा है, तो बेचारे इनको फोन करती थी, आशीष भैया
कुछ ले आना, मेरा ये मन कर रहा है। तो ये भागे भागे अपनी भाभी के लिए जाते थे, क्या कुछ नहीं करा इन्होंने, बहुत बातें हैं भाई, बहुत बातें हैं, कब तक बताऊंगी मैं। बट उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि मेरे देवर की इतनी तबीयत खराब है, मेरे भाई की इतनी तबीयत खराब है कि इसको मैं एक चाय का कब पूछ लूं। अरे मुझे तो छोड़ो, मुझे तो उन्होंने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अपने भाई के तो सोच लेते हैं। मैं तो वैसे भी चाय नहीं पीती, वो बेचारे सुबह 6 बजे उठ गए, हमारे पास दूध नहीं, तो उठे बिना चाय, खुद ने चाय नाश्ता कर लिया। इतने बेशर्म लोग देखे हैं आपने, इनको एक चाय का नहीं पूछा, बेचारे बिना चाय पिए हम लोग घर से निकले, बस हमने फोन कर दिया था हमारे। मैंने रात को ही मेरे फ्रेंड्स को फोन कर दिया था और मेरे कजिन को भी फोन कर दिया था कि सुबह वो हम खाली कर रहे तो सामान वामान शिफ्ट करवाना है, तो वो सुबह 7:30-8 बजे वो लोग आ गए थे, गाड़ी वाड़ी लेके आ गए थे। हाँ, उस घर में हमको एक एक सेकंड रुकना इतना मुश्किल हो रहा ना, कब वो लोग आए और हम यहाँ से निकले। तो फिर वो जैसे तैसे आए, तो अब वो हमारे कजिन और फ्रेंड्स आए ना, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है क्योंकि जानते हैं फैमिली जैसे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ कमरे से बाहर नहीं निकले क्योंकि शक्ल कैसे दिखाएं लोगों को, हम तो आराम से बैठे, क्योंकि झूठा इंसान छुपता है, ये वाली बात हमेशा याद रखना है। सच्चा इंसान होता है ना, करोड़ों लोगों के आगे आराम से बैठता है, जैसे कि आज हम बैठे हैं, और वो लोग जो वो सामान लेने के लिए हमारा आए ना, उनके आगे शक्ल नहीं दिखाई, कमरे में बैठे रहे। अब वो लोग हमसे कह रहे हैं ये दोनों बाहर क्यों नहीं निकल रहे, हमने बोला बताने की कोई जरूरत नहीं है, आज सच्चे होते तो सामने से खड़े होके बोलते ना कि कर बातें, छुपे बैठे रहे। हम लोग सामान क्या कहते हैं गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे, तो तभी मेरा भाई बाहर आ गया और वहीं खड़े होके चेक कर रहा है कि कहीं हम उसका सामान ना लेके चले जाए, क्योंकि उसके वो रजाई, टीवी स्टैंड वगैरह था कि कहीं हम वो गाड़ी में डाल के ना ले जाए, एक एक सामान देख रहा है हमारा। वहीं ऐसे हाथ खड़ा बांध के खड़ा हो गया, चेक कर रहा है, मतलब एक भी सामान के हाथ नहीं लगा रहा है कि वो सामान अब डुप्लेक्स से नीचे उतारना बहुत भारी पड़ता है। पलंग था पूरा खोला हुआ, कूलर था, फ्रिज था, हाथ तक नहीं लगाया उसने। सारे मेरे फ्रेंड्स और मैंने टैक्सी में जैसे तैसे सामान शिफ्ट करा और फिर लास्ट में नीचे आके जब सारा सामान शिफ्ट हो गया तो मैं देखने गया कि कुछ बचा तो नहीं है सामान। फिर मैंने कहा कि मैंने ऊपर से ही आवाज दी कि भाई तुम्हारा रूम चेक कर लो अच्छे से, हम कुछ लेके नहीं जा रहे तुम्हारा। तो ऐसे चिढ़ के बोला ठीक है कर लूंगा चेक। फिर हम लोग नीचे आए हम दोनों जने, तो मुझे तो पता नहीं ये चेक बना के कहाँ रखे थे, तो मेरे फ्रेंड और कजिन ने बोला कि उधर वो टेबल पे रखे है चेक, मतलब इतनी भी उसकी हिम्मत नहीं है कि मेरे मुंह के सामने हाथ में चेक दे सके वो। तो टेबल पे चेक रखे है, मैंने चेक देखा तो जितना मेरा अमाउंट था उतने का चेक नहीं था, तो मैंने कहा कि ये अमाउंट कम है, तो वो क्या बोला है आप यकीन नहीं करोगे कि ये जो तेरे लाइट का बिल है, गैस का बिल है और दूसरा जो कुछ खर्चा है वो मैंने काट लिया है पहले, और जबकि मैंने और नेहा ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इनको जाने से पहले इनका जितना भी गैस का, लाइट का और दूसरा खर्चा है ना, इनको पूछ के और इनको कैश दे के जाएंगे। आगे से हमने सोच लिया था, क्योंकि जो इंसान एक आलू प्याज का हिसाब ले रहा है तो उसके लिए भाई हम तो पहले से सोच लिया हम देंगे, बट उनमें इतना सबर नहीं, उन्होंने आगे से ही काट के दिया और बेशर्मों की तरह आगे से बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ काट लिया काट लिया। मैंने कहा कोई नहीं, मैं वैसे भी तेरे को ये सब कैश में देके ही जाने वाला था, चलो तूने काट लिया तो कोई नहीं, अब यहाँ पे रहने का भी किराया बता दे वो भी मैं दे दूँ तेरे को। तो बोलते हैं यहाँ रहने का जो तूने मेरे मकान पे 6 महीने काम किया था ना, तो ये समझ लेना कि मैंने तेरे को 6 महीने यहाँ पे रख के वो हिसाब बराबर कर दिया है। मैं कहा चलो कोई नहीं कोई बात नहीं। अब मैं बोलती हूँ, अब 6 महीने रहे हम उनके पास, पहली बात तो उनके इस बात का आंसर देती हूँ मैं, उनको उस टाइम तक तो दिया नहीं बट आज देती हूँ, 6 महीने अगर उन्होंने इस बात का बोला है कि तूने मेरे काम 6 महीने का काम करवाया तो हमने तुझे रख लिया, अगर तुम इस बात का भी तुमने ईमानदारी से नहीं निभाया, अगर तुमने ऐसा करा, अगर आपने ऐसा करा 6 महीने तुम प्यार से तो रखा नहीं हमारा, हमको इतना मेंटल टॉर्चर किया, अगर तुम इस बात का भी बहाना मार रहे हो ना तो कम से कम थोड़ा सोच समझ के मारो। 6 महीने तुमने अगर हमें मोहब्बत से रखा होता, तुमने इतना मेंटल टॉर्चर किया, खाने पीने को तरसा दिया, वो सब आप सुन चुके हो ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है इस बात का। और दूसरी बात, अब जो उन्होंने हम ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक हमारा कूलर आया था, तो हमने ऑलरेडी सारा पे कर चुके थे हम, क्योंकि इनके दिल में अरमान ना रह जाए कि इन्होंने हमारी लाइट का यूज किया, इसलिए हम पूरा हमने सोचा हम 2 रोटी कम खा लेंगे, हम भूखे रह जाएंगे पर इनके 1-1 रुपये हम देंगे, हम दोनों ने ये डिसाइड किया था क्यों। फिर ठीक है, उसके बाद अब अप्रैल तक हमने सब कुछ दे दिया, अब मई जून, जून में हम लोग निकल गए, मई जून का तक उन्होंने
लाइट का बिल, और जो 1 महीना जनवरी में जो उनका खाना खाया था ना उनके साथ, जो हमारे एक महीना अच्छा बीता था, वो 1 महीने का उन्होंने गैस वैस में जो उनका खाया, ग्रोसरी का सामान, उस सब का उन्होंने एक एक पाई पाई का रुपया काट लिया। उन्होंने खुद बोला है सामने से कि जितना तुम हमारे साथ रहे हो उसका हमने सब काट लिया, गैस वैस का सबका। और रही किराए की बात, उसका भी पैसे का मैं आपको बताती हूँ, किराए का भी उन्होंने कैसे काट लिया। हम जैसे रहते थे ना साथ में, जैसे इनको घर में कुछ भी चाहिए, अपने बेटी से रिलेटेड या वाइफ से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कुछ भी सामान चाहिए, चाहे वो हजारों का हो कितने का भी हो, हस्बैंड वाइफ कुछ नहीं लाते थे, इनको फोन करते थे या मुझसे बोलते थे आशीष भैया को, तो मेरे को बोल देते थे ये सामान लेके आना है। जैसे वो क्या, एक ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड करके रखते थे बना के, जब उनको भूख लगती है तब खाने के लिए, तो वो सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे से मंगवाए थे, तकरीबन 1000 से 2000 रुपए के थे उस टाइम के। तो वो पैसे मैंने, ये छोटी छोटी चीजें मैं मांगता भी नहीं था, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता मांगना, साथ में रह रहे तो ये सब चलता है। हाँ बट मैं बताऊंगी उनकी बात, मेरा फर्ज बनता है बताना, बात निकली गई तो मैं बता ही देती हूँ उनकी करतूतें। तो अब इनसे उन्होंने मंगवाए ड्राई फ्रूट, तो वो ना इस तरह से कुछ ना कुछ मंगा के वो हिसाब पूरा कर रहे थे किराए का भी। कोई अगर ऐसा आए उनका हमदर्द बनकर कि उनके घर में रह रहे थे, तो भाई पहले क्लियर कर दिया, 1-1 रुपए का उन्होंने सब हिसाब ले लिया, ठीक है, ऐसा भाई दुनिया में देखा है आपने। अब बचा वो ड्राई फ्रूट वाला, वो भी किस्सा सुना दूं। तो अब इनसे लेकर हम तो अपना और पराया सोचते नहीं थे ना, उन्होंने बोला तो हम ले आए क्योंकि घर एक ही है, हमने कभी उनको पराया सोचा नहीं। बट अब ये लेके आए इतना बड़ा, उसमें सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए थे कि जैसे कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का दिल करना, हेल्दी होते हैं इसलिए। तो मुझे ऐसी भूख लग रही थी तो इन्होंने उस डिब्बे में से निकाल के मुझे दे दिए थोड़े से कि नेहा खा ले। उनको उन्होंने दे दिया तो वो जो कंटेनर था शाम को वो गायब हो गया, पूरा रूम में ले गए, नीचे पहुंच गया फिर, और हमको वो कभी फिर दिखाई नहीं वहां पे। अरे हम लोगों को इतना, अरे बेशर्म हो, मंगाया इनसे है, अगर उसमें से 2 खा लिया तो क्या हो गया, पैसे तो हम ही लेके आए ना। वो इतनी चीप हरकत, उनकी बातें इतनी है ना कि मुझे बताने में शर्म आएगी, इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बाकी इतनी बड़ी बड़ी बातें थी जो हम बता ही नहीं रहे यहाँ पे। बहुत बातें हैं उनकी, सबको पता है, बट आपको यहाँ नहीं बता रहे हैं। जो बताने लायक लगी ना, कभी जिंदगी में अगर उनको कभी ईगो कम हो, अगर उनमें इंसानियत जागे, तो थोड़ा सा शर्मिंदा हो। बाकी उम्मीद किसी को नहीं है, पूरे खानदान को उम्मीद नहीं है उनसे, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। आज वो जितने 3 साल पहले थे ना, ये समझो वो डबल हो चुके हैं। उनका ईगो इतना, जमीन पे पैर नहीं रखते हैं, इंसान की तरफ देख के बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको घमंड चढ़ा हुआ है जॉब का, ये वाली बात है, ठीक है। तो भाई ये वाली बात हो चुकी है, अब इसके बाद हम निकल गए भाई, सारा वो सब कुछ हो गया। हमारे निकलने तक भी सोचिए, वो मैडम कमरे से मुंह तक बाहर नहीं झाका है उसने, मतलब अपनी शकल तक नहीं दिखाई है बाहर आके, किस मुंह से आएगी बाहर, तो वो निकली नहीं हमारे जाने तक बाहर। पर पता है मैंने भी, चलो लास्ट में इतना सब उन्होंने कर दिया, उसके बाद भी मैंने दिल में सोचा कि चलो जिंदगी में तो अब कभी इनसे आमना सामना हो नहीं हो, जहां तक हम सोचकर जा रहे हैं कि इनका तो अब इनसे आमना सामना करने नहीं है, बट मैंने कहा चलो एक फाइनल गुड बाय कर देते हैं। मैंने कहा अगर सामने आएंगी तो मैं अच्छे से भाभी ऐसा करके निकलूंगी, गुस्सा होने का मतलब नहीं, क्योंकि गुस्सा तो उनसे हुआ जाता है, इनसे कोई मतलब हो, उन्होंने तो हमारे साथ गलती नहीं, उन्होंने गुनाह किए हैं। तो मैंने कहा चलो फिर भी इनसे लास्ट फाइनल गुड बाय करके जाएंगे, बट वो तो निकली नहीं, उनके कोई किस मुंह से निकले। अब उनकी बेटी आई तो वो बोलती है भैया को के पापा चाचू कहाँ जा रहे हैं, तो उसको भगा दिया, अंदर चल दू, अंदर चल ऐसे करके। अब वो बोल रही, फिर वो बेचारी उसको मुझसे बहुत ज्यादा लगाव था, तो बोलती चाचू चाची कहाँ जा रहे हैं। अब हम क्या बोलेंगे, तुम्हारे पापा ने क्या क्या कारनामे करे हैं हमारे साथ, बेगैरो मतलब पराए इंसान को भी रहम आ जाए हमारे ऊपर, पर सगे ने ऐसा करा। तो 3 साल पहले, एक बार क्लियर कर देती हूँ, 1 जनवरी को उनके यहाँ शिफ्ट हुए थे, 2 जून को हमारा फ्रिज आया, इसके गुस्से में उन्होंने हमको घर से बाहर निकाल दिया, फिर 21 जून को हम वापस चले गए, ठीक है। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, उनका और हमारा आमना सामना नहीं हुआ, और हमारी यही दुआ है, यही ख्वाहिश है कि वो जिंदगी में कभी हमारे सामने ना आए, क्योंकि गुस्सा नफरत एक बहुत छोटी चीज है हमारे लिए, अब दिल में उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, जिन्होंने इतना बुरा किया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो सच में हमने नहीं बताई हैं, इसलिए बहुत बुरा किया है उन्होंने हमारे साथ, तो हमारी आज इतनी वो नहीं है कि हम उनसे कभी मिलें,
तो उसके बाद भी उनके घर से हम निकल गए हैं, पर उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो हम आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अब हम निकल के कहाँ गए हैं रहने के लिए, किसके पास गए हैं रहने के लिए, क्या क्या हुआ, और उन्होंने फिर और हमें परेशान करना किया है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अभी हम उनके घर से चले गए, पर पर अभी पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने हमारा। हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अभी वो हमको सड़कों पे देखना चाहते हैं। तो अभी इसके आगे की आपको आगे बताएंगे। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।